हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो? करता हूँ बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज है मेरा बर्थडे और अभी जो है फिलहाल प्लान बन रहा है चंबा जाने का, कि कटिंग वगैरह आउटडोर में ही करेंगे फिलहाल, किसी टेंपल में ही। रेडी होता हूँ और जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि फिर शाम को जल्दी भी आना थोड़ा। तो अभी चलो चलते हैं, उसके बाद तो फिर बाहर आपको दिखा देता हूँ। मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि सुबह से ख़राब ही है फिलहाल। तो आप देख सकते हो मौसम जो है थोड़ा अजीब सा है, हो रखा है बादल ही बादल हो रखे हैं ऊपर। चलो जो भी है, मिलता हूँ आपके साथ कपड़े डाल के। तो रोहित भाई की लुक कुछ इस प्रकार की लग रही है, तो ये तो है बर्थडे। तो दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम का जो है ना, मतलब काफ़ी देर का जो था घर से निकला आया था, और अभी मौसम जो है ना इस तरह का हो चुका है, यानी कि बिल्कुल ही ख़तरनाक तरीके वाली जो है ना बारिश जो है ना लगने को आ रही है सामने। मतलब जो दिख रहा है ना, देख सकते हो ऊपर बादल जो है ना ख़तरनाक तरीके से चल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, अभी मैं भद्रम जाऊँगा सीधे, उधर से बस लूँगा, फिर अपने ईशान भाई भी आने वाले हैं। तो इधर अपने ईशान भाई पहुँच चुके हैं। ये हेलो कर भाई। तो गाइस, अभी जो है हम ना चंबा बस स्टैंड से ऊपर की चढ़ाई लगा रहे हैं, और ये अपने ईश्वर भाई बाकी सारे चल रहे हैं फिलहाल चंबा बस स्टैंड के ऊपर से चढ़ाई लगा रहे हैं। देख सकते हो इस तरह से कुछ। तो अभी जो है ना चलते हैं जल्दी से, अभी फिलहाल ख़त्म होने को है चढ़ाई। और ये अपने साथ है अपने शीतल दीदी। तो शिवानी दीदी हेलो हेलो। तो ये अपने साथ योगिता और अक्षिता। फिलहाल अभी चल रहे हैं, थोड़ी सी चढ़ाई खत्म होने को आ रही है, मतलब अभी चंबा का टूर आपको दे रहे हैं हम। ये अपनी कसाकड़ा रोड है ऊपर। केक सिलेक्ट हो चुका है। दोस्तों, केक लेके आ चुके हैं हम लोग, और ये ईशान भाई के हाथ में केक है। फिलहाल अभी मेन बाजार और हमको ऊपर जाना है अभी तक, चलिए चलते हैं। तो गाइस, अभी जो हम इधर रुके हैं थोड़ी देर और स्प्रिंग रोल और मोमोज लेने के लिए, खाने पीने का सामान। अभी आप अपनी लैंग्वेज बोलते हैं जिसको गड़ा के सुन सकते हो। गाइस, अपनी दीक्षा दीदी आ चुके हैं इधर, हेलो कर दो। तो अभी फिलहाल चंबा की इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए चल रहे हैं हम लोग। हाँ जी, पर अभी फिलहाल श्री माता मंदिर ऊपर है, इधर थोड़ा सा ऊपर फिलहाल। चलो चलते हैं, ये भी मंदिर है, पता नहीं पर कौन सा वाला है। तो फिलहाल हमने मंदिर की ओर शुरुआत कर दी है चढ़ने की, और अभी चढ़ाई जो है बढ़ जाता है, सीढ़ियाँ ये खतरनाक वाली सीढ़ी देख सकते हो आप। तो अभी चढ़ रहे हैं हम, चलो। तो गाइस, इतनी खतरनाक सीढ़ियाँ जिंदगी में दूसरी बार देख रहा हूँ, यानी कि पहले चामुंडा मंदिर की देखी, और ये भी बहुत ही खतरनाक है ये थोड़ी, ठीक है मतलब। चढ़ो चढ़ो। तो गाइस, फिलहाल पहुँच चुके हैं हम ऊपर, फोटो शूट हो रही है, चलो चलो। तो खाली और सुनसान जगह पे हम पहुंच चुके हैं। तो ईशान भाई, कैसी फीलिंग आ रही है आपको, क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हमको। अच्छा, और इन दोनों से पूछ लो आपको कैसी फीलिंग आ रही है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है इधर, बाद में बताएंगे। बाद में क्यों बताएंगे, अभी क्या है? अभी ये पैड़ियां। पैड़ियां? अच्छा। तो गाइस, इधर से आपको एक चंबा का जो है ना हम नज़ारे का टूर जो है ना बिल्कुल देंगे, जो कि देखने में बहुत ही शानदार और बहुत ही आपको चंबा आने के लिए आकर्षित कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, पहले इनसे मिलाता हूँ। हाँ जी, कैसा लग रहा है ऊपर आके, कैसी फीलिंग आ रही है कोई इधर आके? बहुत अच्छी। अच्छा, पहली बार तो नहीं आए? नहीं नहीं जी भाई, पहले आए हो? नहीं हाँ जी। अच्छा, आपको कैसे कैसा मजा आ रहा है? अच्छा हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत गंदा बारिश लग रही है। ओ भाई, मुझे तो आप जान जाते घर को, तो आपको छोड़ देते हम। पहले पूछ रहा कर रहा हूँ, नहीं पूछने तो पहले आपको कैसा लग रहा है?
दोस्तों अभी जो है फिलहाल हमने एंटर कर लिया है, तो चलिए सीढ़ियाँ ही ख़त्म नहीं होती भाई इधर की, क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से चंबा आपने देखा, किस तरह से लग रहा है आपको दोस्तों। सुई माता जाके अभी फिलहाल हम चामुंडा मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि उधर जाना जगह नहीं थी केक काटने के लिए, तो अभी चामुंडा मंदिर जा रहे हैं। चामुंडा मंदिर है वो सामने देख सकते हो, और ये अपने सारी गैंग एंड थोड़ी पीछे कुछ इस तरह का सड़क का हाल देख सकते हो आप, जो कि बारिश खतरनाक तरीके से लगी है। अभी फिलहाल रुकी है, तो अभी इधर से रास्ता है कहीं से मेरे को पता नहीं है, और हम जो है ना काफी ज्यादा तरीके से जो है ना मतलब खतरनाक तरीके से सीख चुके हैं, भीग चुके हैं। नहीं नहीं सीख चुके यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर से ही जाएंगे हम। और मेरे लिए गिफ्ट देख सकते हो गाइस, ये है मेरी गिफ्ट भाई दी, गिफ्ट दिखाओ। पीछे है यार जेम्स, इसमें पहले मेरी गिफ्ट दिखा दो। दोस्तों फाइनली अभी जो है ना हम चामुंडा मंदिर में एंटर कर चुके हैं, और कुछ इस तरह से पीछे देख सकते हो, तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ किस तरह से चामुंडा मंदिर का जो इधर का मतलब व्यू है आपको देखने लायक मिलेगा। तो फिलहाल पहले मैं एक बार आया था, लेकिन मैंने जो इसमें शॉर्ट सी वीडियो डाली थी, तो इस तरह से कुछ सड़क है, उधर से अंदर ही एंटर कर सकते हो आप, और इस तरह से इधर बैठने के लिए पूरा प्रबंध आपके लिए किया गया है। और इधर मंदिर है, और ये मंदिर है इधर शायद नाग देवता का मंदिर है, और ये ऊपर चामुंडा माता का मंदिर है। तो इधर से जो है ना पूरा चंबा का जो व्यू है ना आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो नीचे, और आगे का आपको दिखाते हैं इधर से जाके। तो इधर से चंबा का चुगान जो है ना आपको पूरा ही दिख जाएगा, नीचे देख सकते हो, और बिल्कुल पूरा सामने का व्यू जो है ना देखने को मिलेगा। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, बहुत ही अच्छा जो है ना मतलब फेमस मंदिर है चंबा का, जो कि बिल्कुल व्यू के साथ। और इधर से कुछ इस तरह का पूरा इतना बड़ा मंदिर है, क्या बताऊँ भाई, ये चारों तरफ से आपको पहले मैं दिखा देता हूँ मंदिर। तो इस तरह से कुछ ऐसा सा मंदिर, और इधर से मंजली गार्डन जो है ना आपको कहाँ पे यार भूल गया मैं वैसे, मंजली गार्डन में भूल गया, नहीं उधर है वो देख सकते हो, वो जो है ना उधर जैसे दिखने को मिलेगा आपको, और ये सामने क्रिया वगैरह का एरिया जो है देखने को मिल जाएगा। और इधर पता नहीं मेरे को पता नहीं है, फिलहाल अभी बारिश लगी है ना, तो बादल के कारण कुछ दिखने लायक है नहीं। तो अभी ये मंदिर है, तो चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ मंदिर में। तो चलिए अभी भाई जूते जो है ना मेरे पूरे गीले हो चुके हैं, और अंदर जुराबे जो है ना वो भी गीले हो चुकी है, तो फिलहाल मैं जूते जो है ना ऊपरी उतारने वाला हूँ। अब पता नहीं है नीचे, वैसे तो नीचे उतारते बट आज मैं ऊपरी उतार रहा हूँ, देख लेंगे जो भी है। तो एंटर करते ही आपको इस तरह से कुछ मंदिर देखने को मिलेगा। तो गाइस ये मंदिर है देख सकते हो, चामुंडा माता मंदिर अंदर फिलहाल बंद है अभी, और ये घंटी देख सकते हो कितनी ज़्यादा घंटी जो इधर लगी हुई है। तो इधर से कुछ इस तरह से माँ शेरा वाली, और इधर भाई मेरे को इधर से चंबा का व्यू देखने के लिए ना बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बड़ा ही सही देखने में मिलता है। तो अभी फ़िलहाल केक वर्क काटते हैं, उसके बाद निकलते हैं जल्दी से इधर से, फिलहाल फ़ोटो शूट कर रहे हैं अभी। तो तो खाना पीना इधर चल रहा है अपना, मेरा लास्ट है भाई जो दे दो खाने मर्जी। ओए तो इधर हमारी फिल्म जो है बन चुकी है, क्योंकि छाते जो है ना इधर बड़े ज्यादा कम है, इसके कारण जो है ना मतलब दो दो बंदे जो है ना तीन तीन बंदे छाते में घुसे हुए हैं, थोड़ा बस तो है नहीं पीछे देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों अभी चामुंडा मंदिर से जो है निकल चुके हैं केक वेक काट के, तो अभी जो है ना हम चंबा में पहुंचने वाले हैं। अभी जो है ना हम चंबा में प्रॉपर पहुंच चुके हैं, और हमारी जो है ना इधर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह की हालत जो है ना हो चुकी है फिलहाल। तो आप लोगों का कैसा लग रहा है फिर? अब हमें गीले हो गए और क्या, तुम्हारा फटने इतना खराब यार क्या कर सकता हूँ। चलो अबे दोस्तों
मेरी शादी में पता नहीं कैसा होगा। तो इस साइड से अभी चलते हैं हम लोग। चलो भाइयों, तो फिलहाल अभी इधर रहते हैं क्योंकि अभी जो है ना मौसम जो है ना काफी ज्यादा खराब है। देख सकते हो भाई, जूते जुराबे ना बिल्कुल ही गिल्ली हो चुकी है। तो भी जो है ना भगवान ने जरा भी साथ नहीं दिया हमारा, और बारिश जो है ना तड़ातड़ लगी हुई है। चलो क्या कर सकते हैं, अब जा रहे हैं घर पे। गाड़ी वाले भाइयों थोड़ा कर लो कुछ। तो अभी हमने जो है ना फिलहाल गाड़ी करने का प्लान बनाया है, और अगर और हमें हमारा प्लान जो है सक्सेस होता है तो हम आपको बताते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं बताएंगे। और शिवानी दीदी को जो है ना गुस्सा, ये है हमारा इधर से जो रास्ता है अंदर को चुगान का जाने का। गाइस इधर दिवाली में आप दुकानें देख सकते किस तरह से सजी हुई है, बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। फिलहाल इधर अंधेरा होने को आ रहा है जिस तरह ना, क्योंकि बारिश जो है ना खतरनाक तरीके से लगी हुई ना, तो बादल जो है ना बिल्कुल आ चुके ऊपर हमारे, और अंधेरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा तरीके से लगा हो रहा है खतरनाक। और बारिश तो आपको पता ही किस तरह से लगी हुई है, देख सकते हो धूम दबा के। तो अभी जो है ना रुकने का प्रबंध करते हैं ना, तो आपके साथ मिलते हैं थोड़ी देर में। जो है ना मैं और शिवानी दीदी जो है ना इन चंबा की गलियों से जो अभी जा रहे हैं हम केक लेने, क्योंकि अभी घर के लिए जो है ना केक लिया नहीं था, तो अभी जो है ना हम घर के लिए केक लेने के लिए जा रहे हैं। तो इधर जो है ना पानी पानी हो चुका, और मेरे पूरा ही हाल है भाई सबका। तो चलो अब मिलते हो आपके साथ आगे जाके केक लेते समय, उसके बाद दोस्तों केक जो हमने ले लिया ऑर्डर दे दिया। तो जो ना हमने इधर बर्गर खाया है, कैसा था बर्गर भाई? क्या यार बात कर रहे हो, नहीं था अच्छा? मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा भाई। तो अभी जो इधर पैसों की गिनती चली है, फिलहाल इधर बस स्टैंड पे हमने बर्गर खाया है। तो अभी जो है अंदर बस स्टैंड में एंटर करते हैं और फिर बस पकड़ते हैं और घर को जाते हैं, और क्या। तो अभी जो है ना रात का व्यू कुछ इस तरह से दिखने लायक है, नीचे का देख सकते हो। फिलहाल अभी जो है ना शाम के जो है ना मतलब 7 बजने को आ रहे हैं, और हम जो है ना अभी बस से उतर कर ना फिलहाल घर को जा रहे हैं, क्योंकि बारिश तो इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से लगी हुई थी ना, और बस जो है ना मतलब इतने बजे पहुँचती है फिलहाल, तो लेट होगी थोड़ी, तो इस वजह से हम जो लेट हो गए। और अभी पीछे बड़े सारे लोग हैं हमारे साथ, मतलब 13-14 से हो गए हम लोग, और अभी फ़िलहाल घर पे पहुँचने वाले हैं। अभी सब्जी वगैरह सब मेरे पास नहीं, तो घर पे जाके वो बननी है, तो उसके बाद ही स्टार्ट होगा अपना जो भी है। मुझे शाम के लिए हम केक भी ले आया है, फिलहाल अभी दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ना। तो ये केक है हमारा गाइस, पता नहीं केक कट नहीं चुका हो अंदर ही कहीं, क्योंकि बस में जो भीड़ भरी ज़्यादा थी, तो घर पे जाके लगा पता। गाइस शाम का केक इस तरह का है केक, इधर अपने घर वाले आ चुके हैं और भाई इधर ठंड के कारण थोड़ा उठा बैठा है। तो चलिए अभी जो है काटते हैं केक, उसके बाद आपके साथ मिलते हैं। ये देखो गाइस इनका फेशियल हो रहा है, देखा छुरी मत।